अरे कोई अकाउंट सर्व कर दे तो उस दिन हम हर चीज छोड़ कर चले जाएंगे। एक रुपया सर्व कर दे हम हर चीज छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन जिनकी जायदादें बाहर है वो कौन के रहनुमा है, जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं वो कौन के रहनुमा है, जिनके इलाज बाहर हो रहे हैं वो कौन के रहनुमा है, जो कौन को त्याग करके गए मेरे पास पीछे में आ गए कि जनाब आप थोड़ा पीछे हट जाए अपने हालात खराब हो गए हैं। मैंने कहा बात कहता है जन्म हो तो ये मिट्टी पर संदेश सारी बात कहता है कि कम कोश तो है लेकिन बेसौख नहीं आई। नौमीद रहो इनसे आप इंतजाम कम कोश तो है लेकिन बेसौख नहीं आई। बात कहता है कि कम मतलब आरामदेह तो है लेकिन जब शौक में आ जाए तो फिर तो गोलियों के सामने खड़े होकर भी कहते हैं कि रुपये सगन दम बदम काले सगन दाहा इंद्री सगन वाहवा इंद्री सगन वाहवा और आज भी कह रहे हैं कि अखलाकियत दार को पामाल नहीं करो, घरों की चादर और चारदीवारी को पामाल नहीं करो, खवातीन के साथ वो सलूक नहीं करो, इसलिए कि तेरी मेरी की होती है धीरे धीरे भी होती है। हाँ ये हमें पता है कि माओ की इज्जत क्या है, जिन्होंने माफिया सिद्धि की बेटी हो बेची हो वो नहीं पता लग सकता कि माओ की इज्जत बहनों की इज्जत क्या है, जिन्होंने माफिया सिद्धि के नाम पर कंपेरे चलाई हो और वजारत अजमा की सीट लेकर फिर माफिया बहन का कभी नाम भी ना लिया हो उनसे हम क्या बात करें। और ठीक है हमारे सियासी इख्तलाफात रहेंगे लड़ाती भी रहेंगे लेकिन किसी की माँ बहन वो पीटीआई वाले की हो वो नून वाले की हो वो शाह महमूद का घर हो वो उस्मान गुजार का घर हो वो उमर डार का घर हो घरों की तरफ नहीं जाना। बात है सियासी लड़ाई मैदान में हो और मर्दों की बात मैदान में होती है जो घरों तक जाए वो मर्द नहीं होता। मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है बिल्कुल भी नहीं जायज, हर चीज की एक हद है हर चीज की एक इकदार है लेकिन भी गुजर जाएंगे। मैं पीडीएम वालों से कहता हूँ अपनी इज्जतें भी सलामत रखो और कौम की इज्जत भी सलामत रखो और इसमें फंसने वाला हर शख्स वो पाकिस्तानी है उसको पूरा हक हासिल है। हाँ जो मुजरिमीन है जिन्होंने कौम को गलत रास्ते पर तैयार किया है उनको पकड़ो सुना दो हमें कोई नहीं बात लेकिन अकदार को नहीं छोड़ो। ये इकतदार में आके अपने होश को मत गवाओ। अभी कल ही की तो बात थी कि तुम यही सारे रोड़े रो रहे थे कराची में तुम्हारे दरवाजे तोड़े जा रहे थे आज हर बंदी करो ये बात नहीं होगी। हाँ जेलें काटनी है मर्दों को ले जाओ।